रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास खंड दो प्रत्येकन संख्या 135 व 36 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय कौमा गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए स्टॉप, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे स्टॉप। इस शताब्दी के पहले दो दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नरक से काफ़ी मिलती जुलती थी स्टॉप। खाना कौमा कपड़े कौमा रहने के हालात कौमा सफाई व्यवस्था और इन सब से बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था स्टॉप। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी कौमा वह जेल के अधिकारियों के गैरकानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी स्टॉप। राजनीतिक कैदी यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयां उत्पन्न करते थे कौमा, ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालत में सुधार करना पड़े स्टॉप। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी कौमा, मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात न थी स्टॉप। जेल के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था स्टॉप। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो स्टॉप। अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा करनी पड़ती थीं स्टॉप। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी स्टॉप। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ कौमा, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे स्टॉप। एक प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाइयां पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे स्टॉप। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा की कौमा, जब भी उन्हें कैद किया गया स्टॉप। पैरा गांधी जी भिन्न अर्थों में कठिनाइयां पैदा करने वाले थे स्टॉप। जब भी उनको जेल में रखा गया कौमा, वे जेल में आने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर कौमा, परंतु प्राय जेल के हालात पर भी कौमा पत्र लिखने शुरू कर देते स्टॉप। जब 9 अगस्त कौमा 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया कौमा, तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके अन्य साथियों कौमा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंदी के लिए ले जाया गया स्टॉप। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष रेलगाड़ी से चिंचवड़ स्टेशन ले जाया गया स्टॉप। वहां दो दलों को अलग अलग कर दिया गया स्टॉप। गांधी जी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुंचे स्टॉप। कांग्रेसजनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारेलाल को इस प्रकार लिखाई थी कौमा, अहिंसा में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर सिपाही को चाहिए कि वह करो या मरो का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा ले कौमा, ताकि यदि सत्याग्रह में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने वाले के रूप में पहचान लिया जाए स्टॉप। पैरा देश के नाम उनके ये अंतिम अनुदेश थे। अध्यक्ष महोदय अब हम
उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। स्टॉप महानिरीक्षक जेल के प्रशासनिक नियंत्रण में महल को जेल घोषित कर दिया गया था। स्टॉप जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजिनी नायडू। स्टॉप एक दो दिन बाद इस दल में कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। स्टॉप उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और एक अन्य पत्र बंबई के गवर्नर को लिखा। स्टॉप उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई हैं। स्टॉप भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। स्टॉप उन्होंने एक सत्याग्रही के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के लिए भी विरोध प्रकट किया। स्टॉप उन्होंने गवर्नर को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में अपने आप को गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया, बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है। स्टॉप चूंकि वह अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ धक्का मुक्की नहीं की जानी चाहिए। स्टॉप उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि उन्हें समाचार पत्र नहीं दिए जाएंगे। स्टॉप पैरा परंतु सरकार के विरुद्ध वास्तविक आक्रमण हुआ उनके 14 तारीख के वायसराय को लिखे गए पत्र द्वारा। स्टॉप उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के भिन्न उपबंधों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे आरोपों से पूर्ण है। स्टॉप उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर आकर्षित हो। स्टॉप इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। स्टॉप वायसराय के विरुद्ध यह शिकायत थी कि कांग्रेस पर प्रहार करने से पहले सरकार को अथवा वायसराय को उनके पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। स्टॉप सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत की सुरक्षा का काम उसके सिर पर है। स्टॉप गांधी जी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा, विशेषकर मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण असफलता के बाद उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव सत्या की हत्या थी। स्टॉप वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु उत्तर दिया। स्टॉप इसके बाद महादेव देसाई की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि गांधी जी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे। स्टॉप भारत में यह माना जाता था कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे एक्सप्रेस तार द्वारा भेज दिया जाए। स्टॉप संदेश में महादेव की विधवा को केवल सांत्वना दी थी और हिम्मत बनाए रखने को कहा गया था। स्टॉप